जो दिनेश अरोड़ा है वो सरकारी गवाह कब बने? चुनाव आ गया तब। यानी कि आप देख रहे हैं, टाइमिंग देखिए आप किस तरीके से चल रही है कि चुनाव करीब है और यहाँ पर दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से दिनेश अरोड़ा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है वो पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको हराने की कोशिश की, क्योंकि चुनाव में तो डायरेक्ट उनको नहीं हरा पा रहे हैं। इसलिए बीजेपी एड़ी चोटी का बल लगा रही है। और दूसरी ही तरफ अगर रुख किया जाए राजधानी दिल्ली के बारे में, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक अलग वर्चस्व कायम किया है। महज 10 साल में देखा जाए अपनी पार्टी को जिस तरह से नेशनल लेवल पर उन्होंने पहुंचा है, उसके बाद से देखा जाए अरविंद केजरीवाल आज पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर सके हैं। और ऐसे में देखा जाए अरविंद केजरीवाल इसी वजह से पीएम मोदी के लिए गली की फांस बन चुके हैं। और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि 28 राजनीतिक दल जिस तरह से एकजुट हुए हैं और 28 राजनीतिक दल यानी कि इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनौती दी है। और इस गठबंधन में देखा जाए बाकी के और दलों को शामिल कराने की कोशिश भी की जा रही है। रूल इसलिए अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मौजूद है, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है या तो सीधे गिरफ्तार करवा लेते हैं या ईडी सीबीआई की सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है या फिर कोई ना कोई केस में फंसाया। जैसे राहुल गांधी का उदाहरण आप देख सकते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को देख सकते हैं, और दिल्ली में आएंगे तो पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी रणनीति है 2024 को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पहले भी ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक दिल्ली में जीत नहीं पा रही है, जो सबसे बड़ा कारण बन सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो जीतना ही है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और आज बात करेंगे संजय सिंह की कि किस तरीके से संजय सिंह के ऊपर ईडी ने अपना शिकंजा कसा हुआ है और आज उनकी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, क्योंकि यहां पर ईडी ने 5 दिन की रिमांड उनके लिए थी जो कि पूरी हो चुकी है और आज फैसला आना है और संजय सिंह पर बड़ा फैसला होगा और उसमें देखा जाएगा कि संजय सिंह के ऊपर आगे जाँच चलेगी और कितना वो यहाँ पर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसको लेकर कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, लगातार अटकलों का बाजार जो है गर्म है और कहा जा रहा है कि अब संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं के ऊपर इस जांच की आंच आ सकती है। और लगातार देखा जाए तो समीकरण कुछ ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी सवाल किया था ईडी से कि अगर यहां पे संजय सिंह का नाम आ रहा है 2 करोड़ लेने में, जिस तरीके से कथित तौर पर कहा जा रहा है कि 2 करोड़ संजय सिंह को दिए गए पार्टी के फंड के तौर पर, तो आखिर यहाँ पर पार्टी का नाम क्यों नहीं लिया गया, कि सिर्फ संजय सिंह को ही क्यों फंसाया गया है? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि संजय सिंह लगातार कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर देखा गया मणिपुर को लेकर वो संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, वहाँ अमित शाह को वो ललकारते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है अब शिकंजा ईडी का संजय सिंह के ऊपर कसा जा चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उस पूरे मुद्दे को लेकर क्या देखते हैं। तो सर हमारे साथ पर हैं, तो सर क्या देख रहे हैं आपकी ईडी ने शिकंजा पूरी तरीके से कस लिया संजय सिंह पर, अब शायद जो 5 दिन की जो उनकी रिमांड थी अब वो और बढ़वाई जाएगी, लेकिन जो तथ्य है यहाँ पर ईडी पेश कर रही है उन तथ्यों के हिसाब से क्या देखा जा रहा है कि संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं कि वापस आम आदमी पार्टी उनको छुड़ा के लाएगी? देखिए, जिस तरीके से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर संजय सिंह की पेशी होनी है उसको लेकर तमाम जो भी सबूत अभी तक ईडी के हाथों में लगे हैं या नहीं लगे हैं वो कोर्ट में ही हमें पता चलेगा जब वो पेश करेगी। लेकिन दिनेश अरोड़ा जो एक बड़ा नाम इसमें उभर कर सामने आया है, जिसकी गवाही पर जो सरकारी गवाह बन चुका है उसके बेसिस पर यहाँ पर संजय सिंह को जो है गिरफ्तार किया गया है, उसको किस तरीके से यहाँ पर जो कोर्ट है वो मान्यता देती है नहीं देती है, उसकी गवाही को मानती है नहीं मानती है, वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण से यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आते ही सभी सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे यहाँ पर विपक्ष को ख़त्म करने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए कि एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों पर जो है यहाँ पर छापे मारे गए, आज आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर यहाँ पर छापा मारा गया, तो ये कहीं ना कहीं एक डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ गया और वो ये डर जो है वो दूसरी पार्टियों में भी बैठाना चाहती है, उसके तहत ये किया जा रहा है। आज यहाँ पर कोर्ट में संजय सिंह पेश होंगे, उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है इससे ये साफ हो
जाएगा कि आगे की राह क्या होने वाली है। लेकिन अभी तक के जो भी हम खबरें देख रहे हैं, जो माहौल हमने अभी तक का देखा है, वो यही है कि इतनी जल्दी ये माहौल शांत होने वाला नहीं है संजय सिंह का। हो सकता है कि मनीष सिसोदिया की तरह उनको भी लंबा जेल में डाला जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर आपने बात करी दिनेश अरोड़ा की, तो यहाँ पर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी खुद कह चुकी है कि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह तो यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर साजिश दिनेश अरोड़ा के तहत रची जा रही है। मतलब जो पूरा ये प्रकरण रचा गया है दिनेश अरोड़ा की तरफ से रचा गया है यहाँ पर संजय सिंह को सिर्फ फंसाने के लिए। देखिए, बिल्कुल ये हो भी सकता है, क्योंकि आप देखिए ना, दिनेश अरोड़ा को इन्होंने बहुत पहले ही पकड़ लिया था, उससे पूछताछ भी की गई थी, हालांकि वो भी बेल पर बाहर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो दिनेश अरोड़ा है, वो सरकारी गवाह कब बने? चुनाव आ गया तब। यानी कि आप देख रहे हैं, टाइमिंग देखिए आप किस तरीके से चल रही है कि चुनाव करीब है और यहाँ पर दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से दिनेश अरोड़ा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है वो पूरे के पूरे आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको हराने की कोशिश की, क्योंकि चुनाव में तो डायरेक्ट उनको नहीं हरा पा रहे हैं। तो इनका मोटिव अब यही है कि चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं तो इनको वैसे तोड़ दो ताकि इनकी पार्टी खत्म हो जाए, इनके बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए, जनता के बीच में विश्वास खत्म हो जाए और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की राह आसान हो जाए। तो हो सकता है कि दिनेश अरोड़ा को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर बात कही जा रही है कि दिनेश अरोड़ा का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार यही सकुट रहा है कि दिनेश अरोड़ा को इस पूरे जो है इस प्रकरण की कड़ी बनाया जा रहा है और यहाँ पर फंसाने के लिए सबसे पहले दिनेश अरोड़ा का नाम आता है, वो सरकारी गवाह बनते हैं। इससे पहले लगातार कहा जा रहा था कि उनके बयान बदले जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। कल दिल्ली के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की डर और बौखलाहट का मंजर दोबारा दिल्ली ने देखा है। कल सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के घर पे सुबह सुबह जिस तरह से ईडी ने दस्तक दी, दिन भर वो तलाशी लेती रही, पूरे घर को खंगाला, दिन भर ईडी पूरे टीम के साथ संजय सिंह जी के घर में जमी रही। लेकिन जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे हुआ था, एक रुपया उनके घर पे नहीं मिला, कल दोबारा संजय सिंह जी के घर पे भी चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी ईडी को कुछ नहीं मिला। कल शाम को गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद जब हम लोग उनके परिवार से मिलने गए, परिवार के लोगों ने बताया कि घर का कोई कोना ऐसा नहीं कि जहां पर ईडी ने खंगाला ना हो, लेकिन ईडी को कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी शाम को अचानक संजय सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। शाम तक अधिकारी इस बात को कहते रहे कि ये जांच की प्रक्रिया है, पूरी हो जाएगी। अचानक ऊपर से निर्देश आया कि संजय सिंह को गिरफ्तार करो और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हो रही? मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से वही बेसुरा राग अलाप रहे हैं जो डेढ़ साल से अलाप रहे हैं। आपको याद होगा एमसीडी चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, तमाम तरह के झूठे खबरें प्लांट करवाते थे
कि किसी तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। क्यों? क्योंकि एमसीडी चुनाव में सारे सर्वे कह रहे थे कि भाजपा हार रही है, लेकिन पूरे देश ने इस बात को देखा है कि सारा तीन तिकड़म भारतीय जनता पार्टी का धरा के धरा रह गया। सारी झूठे खबरें, सारी अफवाहें, सारा झूठा प्रचार करते वो रह गए, लेकिन एमसीडी का चुनाव हार गए। आज देश में इंडिया गठबंधन बनने के बाद से एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। देश के लोग जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी, भाजपा की सरकार फेल हुई, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से लोग उम्मीद लगाए थे कि महंगाई कम हुई, लेकिन आज सबसे ज्यादा महंगाई मोदी जी की सरकार में हो चुकी है। लोग इस बात की उम्मीद लगा रहे थे कि देश के लोगों की गरीबी दूर होगी, आज लोगों को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। उसके उलट पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे। कल संजय सिंह जी ने कहा, मरना पसंद है लेकिन डरना नहीं। आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, पूरी पार्टी के सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लोगे तब भी ना आम आदमी पार्टी पहले झुकी है आपके सामने और ना आगे झुकने वाली है। हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज हम उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आज देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस तरह से पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया अचानक, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के महिला सांसद को घसीट घसीट करके गिरफ्तार किया गया, पूरे देश ने देखा है। कल जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, आज भाजपा के नेता कह रहे हैं कि और भी नेता गिरफ्तार होंगे। हमें भी पता है गिरफ्तार होंगे, क्योंकि आपकी सारी कवायदें फेल हो रही हैं। चारों राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर आप हार रहे हो, और उस डर में आपने मध्य प्रदेश ने पूरा देश देखा है कि जिस तरह से आपको केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ये आपके डर का सबूत है। जिस तरह से पूरा देश देख रहा है कि पूरा देश आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, आपका डर दिख रहा है, आपकी बौखलाहट दिख रही है। आप तो चाहते हो कि आपके पास एक ही समाधान बचा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेज दो। आप कह रहे हो केजरीवाल, केजरीवाल को भी आप चाहते हो कि जेल के अंदर हम बंद कर दें। आप चाहते हो ममता बनर्जी जी को भी जेल के अंदर बंद कर दें। आप तेजस्वी यादव को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप वाईएसआर को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप तो पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें, लेकिन जेल का इतिहास यही है कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको एमसीडी की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तानाशाही के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ जो फर्जी गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, उसकी रिहाई की मांग को लेकर के आज यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा और हम सड़क पर इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और न्यायालय के अंदर भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर तानाशाही का मुकाबला करेंगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज को उठाना हम जारी रखेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है,
जिस तरीके से विपक्ष से घबराई हुई है, विरोध के हर स्वर को दबाने पर, शांत करने पर लगी हुई है। हमने देखा कि कैसे पिछले चार दिनों में मीडिया पर, पत्रकारों पर हमला हुआ। जिन पत्रकार साथियों ने सरकार के साथ एक स्वर होने से मना किया, अलाइन होने से मना किया और व्यवस्था की खामियों पर सवाल पूछे, उनको डिटेन और अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, आधार विहीन धाराओं में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, घोषणा भले न हुई हो पर यह सीधा सीधा अघोषित आपातकाल है। पहले पत्रकार गिरफ्तार होते हैं तो ठीक, उसके बाद पूरे देश ने, दुनिया ने देखा कि देश की जनता की आवाज जो सांसद हैं टीएमसी के, किस तरीके से उन्हें घसीटा गया, सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके किस तरीके से टीएमसी के सांसद को अपमानित किया गया, वह घटना अभी हमारे जहन में ताजा ही थी कि ईडी ने माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर रेड करी। 8 घंटे रेड चली, कोना कोना छान लिया, कागज का एक एक टुकड़ा उठा लिया, ढेले भर का भी सबूत नहीं मिला, प्रमाण का एक अंश नहीं मिला। और जब ऊपर से जिनके हाथों में इन कठपुतलियों की रस्सी है उनका आदेश हुआ, तो दोपहर के बाद आधार विहीन गिरफ्तारी की गई। आज जब आम आदमी पार्टी भाजपा की तानाशाही गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है, पूरे देश के अंदर लगभग 40 जगहों पे, लगभग 40 लोकेशंस पे ईडी की रेड चल रही है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। हम सबने इतिहास पढ़ा है दोस्तों, हमें मालूम है हर कालखंड में एक राजा जो अपने कुशासन के लिए कुख्यात होता है, जो भी उसके खिलाफ मुखर होता है वह कुख्यात राजा उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। हर युग में हुआ है, आज वही बर्ताव अहंकार में आकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार विपक्ष के लोगों के साथ कर रही है। आपके खिलाफ आधार है, प्रमाण है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट इवन बींग प्रटेंशियस, वो इस बात का नाटक भी नहीं कर रहे कि कुछ सबूत होने आवश्यक है, कुछ प्रमाण होने आवश्यक है, और धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 24 के चुनावों के लिए अपने दोनों स्टार प्रचारक मैदान में छोड़ दिए। जी हां, सभी पार्टियां अपने स्टार कैंपेनर फिल्म उतारती हैं, लेकिन भाजपा ने ईडी और सीबीआई नाम के दो स्टार प्रचारक विपक्ष के पीछे छोड़ दिए।
जिस मामले में आदरणीय संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, हजार से ज्यादा रेड हो चुकी है पूरे देश में, एक रुपया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक रुपया भी आज तक कोर्ट में या पब्लिक डोमेन में साक्ष्य के साथ भाजपा की ईडी अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं से कनेक्ट नहीं कर पाई। तो इनको लगता है कि जब तोड़ नहीं पाए, खरीद नहीं पाए, तो गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को, विपक्ष की आवाज को दबा लेंगे। मैं इन भाजपाइयों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा गठबंधन भले ही ईडी और सीबीआई के साथ हो, आम आदमी पार्टी का गठबंधन देश की जनता के साथ है। और जब देश की जनता कमर कसती है तो बड़े बड़े अत्याचारियों को, अहंकारियों को सत्ता की कुर्सी से खींचकर जमीन पर पटक देती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को रोका है, मारपीट करी है कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी करी है। मैं भाजपा से और भाजपा के इशारे पे जो पुलिस काम कर रही थी उनसे भी कहना चाहता हूं कि तुमने आज एक प्रोटेस्ट रोका है, लेकिन तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारी तानाशाही के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक देश की जनता के साथ मिलकर 24 में देश के लोग तुम्हें बाहर का रास्ता ना दिखा दें। तो सुना आपने, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। उनके चाहे एडवोकेट हों, चाहे आम आदमी पार्टी के मुखिया खुद अरविंद केजरीवाल हों, वो कहते हैं कि लड़ाई लड़ेंगे और अभी चुनाव आने तक और भी ऐसी ईडी की रेड पड़ेंगी और भी खुलासे होंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथी मौजूद हैं प्रज्ञा जी, प्रियांशी, उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या अब 2024 का चुनाव आने वाला है। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी और भी लोग सामने आएंगे, अभी और भी ऐसे लोग हैं, नेताएं हैं उनकी पार्टी के भी और बाकी पार्टियों के भी, जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ेगी, तो क्या यहाँ पर एक प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि राजनीति के तौर पर तो उठ नहीं पा रही बीजेपी। देखिए, फिलहाल देखा जाए राजनीति के तौर पर जिस तरीके से आपने बात की है, तो बीजेपी इस वक्त सबसे आगे चल रही है, केंद्र में है इस वक्त बीजेपी, और दूसरी ही तरफ देखा जाए अन्य ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी ही सत्ता में बनी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व तो देखने को मिला है, लेकिन आज के समय में वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो उस राज्य में अपनी सरकार को लाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का बल लगा रही है। और दूसरी ही तरफ अगर रुख किया जाए राजधानी दिल्ली के बारे में, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक अलग वर्चस्व कायम किया है, महज 10 साल में देखा जाए अपनी पार्टी को जिस तरह से नेशनल लेवल पर उन्होंने पहुंचा है, उसके बाद से देखा जाए अरविंद केजरीवाल आज पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर सके हैं। और ऐसे में देखा जाए अरविंद केजरीवाल इसी वजह से पीएम मोदी के लिए गली की फांस बन चुके हैं, और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आती है कि 28 राजनीतिक दल जिस तरह से एकजुट हुए हैं, और 28 राजनीतिक दल यानी कि इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनौती दी है, और इस गठबंधन में देखा जाए बाकी के और दलों को शामिल कराने की कोशिश भी की जा रही है। तो जाहिर है कि प्रतिद्वंदी के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल है ही, और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहां पर एक एक करके उनके तमाम दिग्गज और करीबी नेताओं का नंबर आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज अमानतुल्ला खान के घर पर छापेमारी की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी ही तरफ देखा जाए संजय सिंह के 3 करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो इसके बाद देखा जाए ये मामला और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। 24 नजदीक है, लोकसभा नजदीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जाहिर है कि बीजेपी यहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम नेताओं को सामने लेकर आएगी, तमाम विपक्षी दलों को। लेकिन यहां पर सवाल बीजेपी पर ये उठते हैं कि अपने नेताओं को क्यों नहीं, तो अपने नेताओं को साइडलाइन रखे यहां पर, बाकी के जो विपक्षी दल हैं उनकी मुश्किलें यहां पर जिस तरीके से बढ़ाती हुई नजर आ रही है, जिससे यहां पर बीजेपी यही साबित करती हुई नजर आ रही है कि इस वक्त देश में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और जिसके चलते काफी भारी नुकसान भी हो रहा है। तो इस वजह से एक जीत के लिए यहां पर एक बहुत ही बड़ा यहां पर देखा जाए यहाँ पर बीजेपी को चुनौती तो मिल रही है, लेकिन उसके बदले बीजेपी देखा जाए यहाँ पर इसके जरिए यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार जो है बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ ईडी सीबीआई और बाकी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रांसी ने उठाया कि जब यहाँ बीजेपी के नेता कई मामलों में फंसते हैं, जब उनके नेता संसद भवन के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। और इस सवाल का जवाब हम मांगेंगे हमारे साथी नाजमीन से, और जानेंगे कि बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टी के लिए रूल अलग अलग क्यों है।
देखिए रूल इसलिए अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मौजूद है, उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोलता है या तो सीधे गिरफ्तार करवा लेते हैं या ईडी सीबीआई की सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है या फिर कोई ना कोई केस में फंसाया जाए। राहुल गांधी का उदाहरण आप देख सकते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को देख सकते हैं, और दिल्ली में आएंगे तो पूरी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी रणनीति है 2024 को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पहले भी ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक दिल्ली में जीत नहीं पा रही है, जो सबसे बड़ा कारण बन सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो जीतना ही है। अगर वो चुनाव नहीं जीतेंगी तो एक तरीके से दिल्ली में काबिज हो ही नहीं पाएंगी, दिल्ली की जनता उन्हें पसंद ही नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर एक रणनीति तैयार की गई। अब संजय सिंह को फंसाया गया, अमानतुल्ला खां के जो के घर पर छापेमारी की गई, और ऐसे में देखा जा रहा है कि जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। पहले भी गिरफ्तारी हुई लेकिन इसी बीच में कितना समय दिया गया अमानतुल्ला को, और वहाँ पर उसके बाद जब संजय सिंह यहाँ पर ईडी के शिकंजे में फंसे हुए तभी यहाँ पर एक और विधायक के घर पर छापेमारी कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश देखी जा रही है कि जान बूझ कर ये किया जा रहा है, और ये इसलिए भी किया जा रहा है कि संजय सिंह को राहत ना मिल सके, संजय सिंह सिर्फ तिहाड़ जेल पहुँच सकें जैसे मनीष सिसोदिया पहुँच रहे। इसलिए कहीं ना कहीं आप इसे एक साजिश के तौर पर देखिए, मतलब कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को आगे आने वाले चुनावों के लिए रोका जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनावों के लिए रोकना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया था जब मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई हो रही थी कि आप एक नेता एक मंत्री को क्यों घसीट रहे हैं, अगर आपकी नज़र में पूरी पार्टी भ्रष्ट है भ्रष्टाचारी है तो पूरी पार्टी पर आरोप लगाए, अगर पूरी पार्टी पर आरोप लगेंगे तो आप देखेंगे कि चुनाव में उतरना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए और वैसे भी वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सारी कोशिशें की जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी उस स्तर पर ना उठ पाए जितना भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर देखी जा रही है। तो बिल्कुल लगातार यहाँ पे सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बनकर यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब से बीजेपी को साफ करने के बाद अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कदम है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल के अंत जो चुनाव होने हैं वहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने कॉम्पिटिशन को मिटाने के लिए लगातार ईडी सीबीआई का यहाँ पर इस्तेमाल करे, और संजय सिंह के ऊपर जो है आज एक बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से आ सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।